जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए, युद्ध के मैदान में आप जंग होनी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में। फाइनली दोस्तों, कंगना रनावत की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म तेजस आखिरकार हम सभी के बीच में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों, मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए को आज चौथा दिन भी स्टार्ट हो चुका है। फाइनली दोस्तों, जैसा हमने सोचा था, मूवी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। और दोस्तों, मूवी के चेसिंग सीन आप सभी को दीवाना बना लेंगे। आखिरकार दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको कंगना रनावत एक एयरक्राफ्ट मेल पायलट के रूप में नजर आती है, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छी तरीके से पायलटिंग करती हैं। और दोस्तों, उनके किरदार के हर कोई कायल रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, बात करी जाए कि तेजस मूवी क्या ऑडियंस के दिलों पे राज करने के काबिल है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जहां तक मैंने इस मूवी को देखा, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार था, मूवी का बीजीएम दमदार था, मूवी को हम सभी के बीच में काफी अच्छी तरीके से शूट कराया गया, मूवी की स्टोरी भी काफी अच्छी है। और दोस्तों, जहां पर इस मूवी को एयरफोर्स के साथ में जोड़ा गया है, वाकई में दोस्तों इस मूवी के ने कंगना रनावत ने हर बार की तरह इस बार भी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एक्टिंग के साथ में सभी हेटर्स को जवाब दिया है। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहां पर अगर एक बार समय खराब चलता है तो कोई सी भी फिल्म क्यों ना हो, वो आखिर में फ्लॉप हो ही जाती है। सबूत के लिए दोस्तों, आप अक्षय कुमार को ले सकते हैं। दोस्तों, बात करी जाए तो तेजस मूवी आखिरकार हम सभी के बीच में बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए को 4 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों, मूवी ने अपने पहले ही दिन 1,25,00,000 रुपए की ओपनिंग ली। तो दोस्तों, मूवी ने अपने दूसरे दिन 1,30,00,000 रुपए कमा लिए थे। वहीं पर दोस्तों, फिल्म ने अपने तीसरे दिन 1,30,00,000 रुपए एक बार फिर से कमाए। और दोस्तों, मूवी अपने चौथे दिन यानी कि सोमवार को लगभग 54,00,000 रुपए कमाते हुए नजर आ रही है। जिसे चलते इस फिल्म का 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 4,40,00,000 रुपए हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मूवी का बजट है केवल 60 करोड़ रुपए। और दोस्तों, मूवी को हम सभी के बीच में 27 अक्टूबर को रिलीज कराया गया था। अब दोस्तों, मूवी को 4 दिन में केवल 4 करोड़ की ही ओपनिंग मिली, इसका मतलब ये फिल्म एक काफी बड़ी डिजास्टर कहला रही है। अब दोस्तों, आपके ओपिनियन क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो आपको मूवी कैसे लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।